हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अगर कुछ पढ़ाई के बारे में लेके आया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम के साथ अपनी पढ़ाई को पूरी करना चाहते हैं, पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, तो आप इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है, आपको पढ़ाई करने के लिए क्लासेस लगानी कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप बिना क्लासेस लगाए ही खुद सेल्फ स्टडी करके आप जो है डिग्री ले सकते हैं। बस आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा और असाइनमेंट होता है, वो असाइनमेंट जमा कराना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले। तो यहाँ से पढ़ाई करने के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे कम जो पैसा जो है, ये यूनिवर्सिटी लेती है डिग्री देने के लिए। तो ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, और अगर यहाँ से आप पढ़ेंगे तो ये डिग्री जो है सरकारी नौकरी के लिए भी इसकी जो है वैल्यू है, तो वहाँ पर भी आपकी ये डिग्री काम आएगी। तो जो आइए देखते हैं कौन से कोर्स यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जैसे ये देखिए, रजिस्टर ऑनलाइन लिखा है, फ्रेश एडमिशन में आप जब दबाएंगे तो, क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार खुल जाएगा। तो इसकी जो लास्ट डेट है 31 जनवरी 2020 है, तो ये दिसंबर से डेट इन्होंने जो है एक्सटेंड कर दिए, डेट और बढ़ा दिए। तो अभी भी मौका है, अगर आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। जो ये एडमिशन होगा सारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ से आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों जब आप यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन को पे क्लिक करेंगे तो जो आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। जैसे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं, प्रोग्राम देखते हैं कौन से हैं। यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए सारे जो प्रोग्राम है, यहाँ से आप इन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे ये देखिए सर्च फॉर प्रोग्राम, जो मेरा चैनल है अकाउंट से रिलेटेड है, तो एक बीकॉम का कोर्स सर्च करते हैं, बीकॉम बैचलर फॉर कॉमर्स जो भी है। तो ये देखिए बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो ये ओपन हो गया, तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए 3 साल की ड्यूरेशन है, टाइम जो है 3 साल का। तो मैक्सिमम टाइम इसका ज़्यादा होता है 5 या 6 साल, वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर करेंगे इग्नू बी कॉम, तो इसका मैक्सिमम हम देख लेते हैं कितना है। ये देखिए मैक्सिमम ड्यूरेशन, मतलब आप इसको 6 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं। कम से कम आप 3 साल में पूरा कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल में आपको ये पूरा करना पड़ेगा। जैसे हर साल 2 या 4 सब्जेक्ट भी अगर पास करेंगे तो आप जो है आगे बढ़ते रहेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के आपके एग्ज़ाम होते जाएंगे। अब जो ये लगता है ये जो है सेमेस्टर वाइज हो गया है, नीचे आके देखते हैं। ये देखिए सेमेस्टर वाइज हो गया है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, 6-6 महीने में एग्ज़ाम होंगे। अगर आप 6 महीने में भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते तो आप साल में एक बार भी दे सकते एग्ज़ाम, यहाँ तक कि आप 2 साल का और या तो 3 साल का इकट्ठा भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो इसकी फीस है देखिए 7200 रुपये फीस है, सारी 3 साल की फीस है। जो पहला साल है आपको मतलब एडमिशन के वक्त जो पहली बार एडमिशन करेंगे तो 2600 रुपये देना पड़ेगा, बाकी 2400 रुपये आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में लगेंगे। तो ये सब देखिए ये सब, और ये कहाँ का कहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, या स्टडी सेंटर देखिए, रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर, जहाँ से आपको बुक्स वगैरह मिलेंगी और जहाँ से आपको मतलब क्लासेस वगैरह जो कुछ होती है वो क्लासेस वगैरह जो है इन स्टडी सेंटर में आप लगा सकते हैं, ये स्टडी सेंटर हैं। तो इस प्रकार जो है, जो इस वीडियो का जो मेरा मकसद था, आपको थोड़ा इग्नू के बारे में बताऊं, अगर आप पढ़ना चाहे तो इग्नू से पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी जो ये वीडियो आपको लगे कि हाँ ये हेल्पफुल है, आपके लिए कुछ काम की वीडियो है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ाते रहे। आपका जो लाइक है वो मेरे लिए प्रोत्साहन का काम करता है, तो प्रोत्साहन करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।